समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाला परिवर्तन परिवर्तन को कोसंघी कहते हैं। अर्थात भी जैसे पूछता हूं दो शब्द जब पास 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 आते हैं तो एक दूसरे के एक दूसरे के पास होने के कारण पहले के अंतिम वर्ण में अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। एक बार ठीक है संधि सम धन धा धन की बराबर संधि जो कि एक पुल्लिंग शब्द है पर सन्निकर्ष संहिता पर सन्निकर्ष है संहिता अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में मिलते हैं उस मेल से किसी नियम के अंतर्गत कोई भी नियम संधि का नियम है उस नियम के अंतर्गत होने वाला जो भी परिवर्तन होता है जहां जो परिवर्तन होता है वहीं क्या होती है संधि उसे ही संधि कहते हैं। इसको मैं इस प्रकार से भी कह सकता हूं समझा सकता हूं कि दो शब्द जब पास पास आते हैं
दो शब्द जब पास पास आते हैं तो एक दूसरे के पास होने के कारण दो शब्द पास आएंगे, एक शब्द दूसरे शब्द के पास होने के कारण जो पहले के अंतिम वर्ण जो पहला शब्द है पहला वर्ण है पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण है उस अंतिम वर्ण में या तो उसमें या अथवा दूसरे वर्ण के दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है वही क्या होती है संधि। निकट वृत्ति दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब हम संधि के नियमों को समझेंगे। संधि के नियम संधि के नियम पहला तभी दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण बन जाता है जैसे सूर्य धन इंद्र है बराबर हो गया सुरेंद्र दूसरा कभी पूर्व वर्ण में परिवर्तन हो जाता है बोधन अति बराबर भवती देखो यहां दोबारा बता रहा हूं इसको। निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के नियम में पहला नियम है कि कभी दो वर्णों के स्थान पर दो वर्णों के स्थान मैंने पहले भी बात ये की है कि वर्णों में जहां वर्णों का मेल होता है वहीं क्या होती है संधि। तो कभी बार क्या होता है कि दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण बन जाता है जैसे यहाँ सुर धन इंद्र सुर का अंतिम वर्ण क्या है र पहले वर्ण शब्द का और दूसरा शब्द क्या है इंद्र इंद्र का पहला वर्ण क्या है ई जो क्या है अच्छा है स्वर है
तो रे और ई, रे और ई, ए धन्य ई, इनमें क्या है मेल हुआ, मेल होने पर क्या बन गया यहां ए, क्या बन गया ए। तो पूर्व जो वर्ण था ठीक है, उस वर्ण जो पहले वाला वर्ण था उस वर्ण की जगह क्या एक नया वर्ण बन जाता है यहां, तो क्या कौन सा शब्द बना यहां सुरेंद्र। इसी प्रकार दूसरा, कभी पूर्व वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, कैसे भोधनति, भोधन अति, भो भो में औ की मात्रा, धन ए, ओ धन ए बराबर क्या बना अवय, क्या बना अवय, तो पूरा भोधन अति बराबर भवति। कभी उत्तर पदे के प्रथम वर्ण का लोप है, लोप का मतलब पूर्व रूप है, हो जाता है जैसे वने धन अस्ति बराबर वने अस्ति, वने अस्ति। चौथा, कभी पूर्व पदे के अंतिम वर्ण का लोप पर रूप हो जाता है, हो जाता है जैसे पर्दन एजते, पर्दन एजते पांचवा, कभी कभी दोनों वर्णों के बीच, दोनों वर्णों के बीच में एक नया वर्ण आ जाता है, जैसे जैसे हरी धन है तो के धन है छाया बराबर बना हरी छाया। हाँ देखो यहाँ, कभी कभी उत्तर पद के प्रथम वर्ण का लोप हो जाता है पूर्व और उत्तर, वने अस्ति, वने अस्ति, वने धन अस्ति, वने अस्ति, तो क्या कह रहे हैं आप, प्रथम वर्ण का लोप हो जाता है कौन से का उत्तर पद का, उत्तर पद कौन सा है अस्ति, अस्ति का प्रथम वर्ण क्या है ए, ए का लोप होकर के यहाँ क्या हो जाता है यहां पूर्व रूप में बदल जाता है, तो क्या बन गया वने अस्ति।
दूसरा तथा चौथा नियम क्या है? तभी पूर्व पद के अंतिम वर्ण का आलोप हो जाता है। पूर्व वर्ण है, पहले वाला वर्ण है, उसका अंतिम है जो पहले वाला शब्द है उसका अंतिम वर्ण का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्ररूप कहते हैं। जैसे प्रधन इजते, प्रधन एजते, प्रेजते बनता है। क्या बनता है? प्रेजते, प्रेजते बनता है। मैंने यहां थोड़ा सा लिखा नहीं, आगे लिख रहा हूं यहां, प्रेजते, प्रेजते। तो देखो प्रधन एजते, तो क्या कह रहे हैं यहां? अंतिम वर्ण का कौन सा? पूर्व पद, पूर्व ये, इसका अंतिम वर्ण का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो क्या बन गया यहां? प्र, प्र ए, ए की जगह क्या आ गया? ए की जगह तो क्या बन गया? ए। तो क्या बन गया यहां? प्रेजते। क्या बन गया भाई यहां? प्रेजते। इस प्रकार की संधि बनती है। यहां पांचवा देखो, कभी कभी दोनों वर्णों के बीच, दो वर्ण होते हैं, दोनों वर्णों के बीच में एक नया वर्ण भी आ जाता है। जैसे हरि धन तुके धन छाया बराबर क्या बना? हरिश्च छाया। हरि ई, ई और छे, इनके बीच में क्या तुकांत आ जाता है? तुके, तुका ते और छे का क्या बन जाता है? छे। तो क्या बन जाता है यहाँ? हरिश्च छाया। क्या बन गया? हरिश्च छाया। इस प्रकार से यहाँ संधि के ये पांच नियम काम करते हैं।